इसराइल हमास युद्ध में आज एक नया मोड़ आया है। ये मोड़ ये है कि तीन यूरोपीय देशों ने, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन तीनों ने फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान लिया, एक स्टेट के तौर पर मान लिया है। वो ये मानते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके जरिए एक स्थायी शांति की बहाली हो सकती है। और इसका ऐलान करते हुए मैड्रिड में स्पेन के पीएम ने कहा कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि शांति, न्याय और निरंतरता हो, ये इसके लिए जरूरी था, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये निश्चित करना होगा कि टू स्टेट सॉल्यूशन को माना जाए, उसकी इज्जत की जाए। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दे, और हम ये चाहते हैं कि दोनों पक्ष शांति बहाली के लिए बैठकर आपस में चर्चा करें, और इसीलिए ये सारी वजहें हैं जिनके कारण हमने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। तो इन तीनों देशों ने ये कहा है कि 28 मई से फिलिस्तीन को वो एक स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन इसराइल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी देखना होगा। उसने फौरन आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को वापस बुलाया, कहा कि अर्जेंट डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है। और विदेश मंत्री जो हैं इसराइल के, इसराइल काट्स, उन्होंने कहा कि इसराइल नॉर्वे और आयरलैंड को एक साफ संदेश दे रहा है कि वो उनसे नहीं दबेगा जो उनकी संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालेंगे। ये इसराइल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल शांति से नहीं बैठेगा, इसके और भी परिणाम होंगे। सीधे सीधे एक तरह से धमकी की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके परिणाम होंगे स्पेन के लिए भी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्पेन ये करता है तो उसके लिए भी ये परिणाम होंगे। वैसे इन तीनों देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं उनमें से अब 143 से बढ़कर 146 हो जाते हैं फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले। इसराइल जो है इस फैसले को अपने खिलाफ मानता है, टू स्टेट सॉल्यूशन को अपने खिलाफ मानता है। यहां तक कि हमास भी टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहता है, वो चाहता है कि इसराइल खत्म हो जाए। जिस तरह से लेकिन जवाबी कार्रवाई इसराइल ने गाजा में 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद की है, जब हमास का हमला हुआ था उस समय उसे पूरी दुनिया की सहानुभूति थी, लेकिन जो कार्रवाई उसके बाद पिछले 7 महीने चली है उसको देखते हुए और इस ये देखते हुए कि जो आम नागरिक है उनकी बड़ी संख्या में गाजा में मौत हुई है, उसको देखते हुए धीरे धीरे समर्थन जो है बाकी देशों का, सहयोगियों का, वो इसराइल के लिए कमजोर पड़ता दिखता है। यहाँ तक कि जो अमेरिका उसका सबसे करीबी सहयोगी है, सबसे ज्यादा हथियार देता है, वो भी राफा में उसके फुल स्केल ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ है और मना कर रहा है। यूरोपीय देश जो है कईयों में उनकी निंदा हो रही है, कार्रवाई की निंदा हो रही है। कहा जा रहा है कि अब निगोशिएशन के जरिए आगे बढ़ना चाहिए जो भी करना है। हालांकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि बिना शर्त हमास को जो बंधक उसने, इसराइली बंधक बनाए थे 7 अक्टूबर को, उन्हें फौरन, जो बचे हुए वहां पर है उनको फौरन छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे समय में भी आ रहा है जब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वहां के जो वकील है करीम खान, उन्होंने एक अर्जी डाली है, कहा है कि उन्होंने सारे सबूत देखे हैं, सर्वाइवर्स से बात किए हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ना सिर्फ हमास के तीनों नेता बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू और जो इसराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, उनके खिलाफ भी वारंट जारी करे। अब ये एक न्यायाधीशों के पैनल के पास है, वो तय करेंगे कि जारी करना चाहिए वारंट इस तरह का या नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो इसराइल के तीन सहयोगी भी हैं जैसे फ्रांस, बेल्जियम, स्लोवेकिया, इन लोगों ने भी जो आईसीसी की स्वतंत्रता है उसको लेकर कहा है कि ये बनी रहनी चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उन्होंने माना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही कार्रवाई वहां पर हो रही है। तो कुल मिलाकर जो समर्थन है इसराइल का वो बेहद कमजोर पड़ता दिख रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के नेता है वो बहुत दबाव में होने के बावजूद इस पर कदम पीछे नहीं खींच रहे, यहां तक कि उनके ऊपर तो घर के अंदर भी दबाव है। जो हॉस्टेजेस के परिवार हैं, जो बंधकों के परिवार
परिवार है, उनको उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसराइल टेबल पर बैठे और एक डील हो जिसके जरिए उनके जो प्रियजन है वो वापस लौट सके। और इस सब के बीच एक के बाद एक जो बंधक हैं उनके अवशेष वहां पर गाजा में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें धीरे धीरे करके निकल कर आ रहे हैं। कम से कम 4 बंधकों के अवशेष वहां पर मिले हैं और बाकी जो बंधक हैं उनके परिवार वालों का मानना है कि जल्द अगर शांति की कोई डील नहीं हुई तो वो अपने प्रियजनों को शायद फिर कभी वापस जिंदा नहीं देख पाए। तो एक दबाव जो है वो घर के अंदर और बाहर बहुत जबरदस्त है, लेकिन अभी भी पीएम नेतन्याहू जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आते। दिल्ली से कादंबिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।